तो सबको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, किस किस को समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, पुराने जमाने में जो माताएं हैं पति का नाम नहीं लेते, लेते हैं क्या? तो पुराने जमाने में माता लोग जो है पति का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आजकल आजकल लेती है बड़े बड़े शहरों में। अपने पति को ऐसे बुलाते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हो, ए दीपक ऐसे बुलाते हैं। तो पुराने जमाने में जो है वो माता लोग पति का नाम नहीं लेते थे। तो एक जगह पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, क्या कीर्तन करा रहे पता है? कि काली अमन नंदन शशि नंदन देवी की नंदन नव शरण, काली अमर नंदन देवी नंदन नव शरण। अब सामने एक माता जी बैठी थी, वो माता जी जो है बार बार पाल बिगाड़ रहे, कीर्तन करते ना करते जाए तो वो पति का नाम आ जाए, उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब ये कीर्तन में देवकी नंदन है, पति का नाम ले तो ले कैसे? कीर्तन पंडित जी करा रहे हैं। पति का नाम ले तो ले कैसे? तो पंडित जी ने खटखरा लगाया, तुम सामने आके बैठती हो रोज ताल बिगाड़ती हो, तुम जाओ पीछे जाके बैठो। तो माता जी जो है बहुत गुस्से में आ गए, सीधा उठे और घर चले गए, और घर जाके बहुत रिये सर कि कीर्तन में ताल काटे कैसे कट रहे हैं, हम थोड़ा रियाज करेंगे घर पे। अब माता जी घर पे रियाज ऐसे कर रही है यही कीर्तन, के पापा। उनके घर में दो बेटियां थी, एक का नाम चंपा और एक का नाम पुष्पा। अब देवकी नंदन के जगह क्या लगा रहे थे? काली अमर चंपा के पापा तब शरण, काली अमर नंदन नंदन चंपा के पापा तब शरण। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के पति का नाम नहीं भगवान के नाम से, इसलिए नहीं ले रहे। पति का नाम ले तो ले कैसे? कैकेयी का पति का नाम गोविंद है, नारायण है, बहुत कुछ है। तो जिसका है ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार इसको कहते हैं कि जैसे अजामिल ने लिया था संकेत में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, तो ऐसे नाम ले सकते हैं, इसमें भी कल्याण है। तो आइए हम लोग ताली बजाकर गाएंगे, ऐसे गाएंगे। अगर पति का नाम ठाकुर के नाम से हो तो ऐसे गाएंगे। मैं तो दिल मेरे उनके बिना की
इसलिए जब भगवान कृष्ण मैया जसोदा की गर्भ में आए, ब्रज की जितने गोपियां थी वो छह महीना पहले चौरास गज की लहंगा बना करके रखे, बोले कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, हम सबके सब सज धज करके जाएंगे। और जितने सब पुरुष लोग थे ना, सबके सब धोती बगल बंदी पगड़ी बना करके रखे, बोले कन्हैया की जन्म उत्सव में हम बधाई देने जाएंगे, इसलिए कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। इसलिए आप जितने माताएं हैं ना, एकदम पीला पीला रंग के कपड़े पहन कर आना। कौन सा रंग के? अगर नहीं होना किसे उधार करके, लेकिन पहन करके आने का पीला रंग की। और शादी का एक चमक धमक ऐसे नहीं, पुराना कपड़ा, वो शादी का समय का जितने लहंगा चुनरी होगा वो सब पेटला में बंद कर रखे, खराब हो रहा है उसमें सब कैसे वो निकालना, क्योंकि कल भगवान आ रहे ना। इसलिए भगवान जन्म लेने पर 33 करोड़ देवता भी आए थे, हैं सारे देवता लोग, माताएं लोग तो पहन कर आएंगे लहंगा चुनरी, ये तो बढ़िया साड़ी। और पुरुष लोग, अगर आपके पास में धोती हो, हैं अगर धोती हो बहुत अच्छी बात है, अगर धोती अगर नहीं हो तो कोशिश करना कुर्ता और पैजामा सबके सब सफेद रंग के पहन करके आए, ठीक है बढ़िया से। और कल दो व्यक्तियों को, जैसे माता आपके पिता है ना, एक को नंद और एक जसोदा बनाना, ठीक है माता जी। कल आप जसोदा बनना, बाबा नंद बनेंगे, बढ़िया से पगड़ी बांध करके, और माता जी बढ़िया कपड़े पहन करके। और किसकी घर में देखो कोई छोटा बच्चा हो, जैसे 2-3-4 महीना का कोई छोटा बच्चा हो ना, अभी जो जन्म लिया होगा उसको कृष्ण बना करके, और सुंदर एक टोकरी में हैं, टोकरी में उसको सजा करके बढ़िया करके कल हम भगवान के नंद महोत्सव मनाएंगे। अगर हो सके तो माताएं जैसे उसमें लुटाते हैं ना, चॉकलेट लुटाते हैं, टफी लुटाते हैं, बातासा, आपका देश में जो रिवाज होएगा, अगर कुछ लेकर के आओगे, इसलिए कोई खिलौना हो उसको लेकर के आना, कल हम लोग उसको लुटाएंगे। अब बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, कल बड़े धूमधाम से उत्सव करेंगे। और थोड़ी हो तो ये पैंडल को थोड़ा गुब्बारा फुब्बारा होगा ना, थोड़ी सी सजा दीजिएगा, क्योंकि
जब भगवान कृष्ण आए इसी जगत में, देखो अगर कोई अच्छे कोई बड़ा मंत्री आ जाए ना, मोदी आ जाए, कोई राष्ट्रपति, उसके लिए कितने स्वागत होता है, कितने उसके लिए गेट बनाते, क्या सजाते हैं। कल कौन आने वाले हैं? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण आने वाले। कल सारे भगवान जन्म लेंगे। बामन भगवान, आपका घर में कोई बालक होगा ना, उसको कल भगवान बामन बना दीजिएगा। कोई छत्री, उसके लिए एक कमंडल, एक छत्री रखिएगा, ठीक है। कल बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव हम मनाएंगे। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। जब श्री व्यास देव ने सुंदर भागवत ग्रंथ बनाए, बोले इतने सुंदर ग्रंथ हम पढ़ाए किसको, लेकिन उनका जो बेटा था वो जन्म होते ही वो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी बनकर के चले गए। श्री व्यास देव के चार चेले थे, चार चेलों को बोले देखो बच्चों चले, मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारी तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कैसे था। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुमको एक एक मंत्र सिखा दूंगा। वो मंत्र सुन करके जो अपने आप पकड़े में आएगा, समझना वो मेरे तोता है। उन्होंने चार चेलों को उन्होंने चार श्लोक सिखाया। पहला चेले को जो श्लोक सिखाया, बोले बरहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिशयम वैजयन्ति च माला रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। ये जो श्लोक है, कृष्ण कितने सुंदर है, ये राधा रानी अपना मुख से वर्णना की। बोले बराहा पीड़म, मतलब है भगवान का सर के ऊपर में मोर पंख लगाए। बोले मोर पंख क्यों लगाए? इसका पीछे टीकाकारों ने पांच कारण बताया, अभी मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं? पहला कारण बताया, ये जो मोर है ये ब्रह्मचारी, ये कभी अपना पत्नी से नहीं मिलता है, भगवान ब्रह्मचारी को बड़े प्यार करते हैं, इसलिए मोर पंख लगाया, ये पहला कारण। दूसरा कारण, बोले मोर पंख में श्री राधा जी के नाम लिखा हुआ है, इसलिए मानो भगवान मोर पंख लगा करके दुनिया को राधा रानी का नाम को सर्वत्र प्रचार करते हैं, इसलिए दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? कहते एक समय भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे थे, जब बंसी बजा रहे थे कहते ये मोर कब नृत्य करता है? देखना जब आकाश में काला मेघ छा जाए, गड़गड़ 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 शब्द हो, बिजली चमकने लगे, रिमझिमी बारिश हो, देखना मोर पंख खोल करके सुंदर नृत्य करता है। एक दिन भगवान बंसुरी बजा रहे थे, भगवान का रंग कैसे है? बोले श्याम रंग भगवान के, श्याम सुंदर है। शरीर में जो पीतांबर कैसे है? जैसे स्थिर विद्युत है। और जो बंसुरी बजा रहे थे जैसे आकाश में गड़गड़ 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 शब्द होता है, मानो ऐसे शब्द कर रहा था। इतने में मयूर तो अपना पंख खोल करके बड़ा सुंदर नाचना शुरू कर दिया, और इतना मयूर खुश हो गया। देखना जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना, हम अभी पैसा घुमा घुमा कर दे रहे थे ना, पैसा घुमा घुमा कर देते हैं, अभी मयूर बड़ा खुश हो गया, आज प्रभु ने बंसरी बजाए इसलिए मैंने नृत्य की, प्रभु को कुछ तो देनी चाहिए ना। बोले मेरे पास में किया, मेरे पास में तो अपना पंख है। मोर ने किया कि अपना पंख को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो उससे एक पंख गिरा, वो प्रेम का उपहार है, इसलिए ठाकुर जी उठाए और अपना सर पर रख लिए, अपना सर पर रख लिए, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। कितना कारण हो गया, कितना कारण हो गया? तीन कारण हुआ। बोले चौथा कारण क्यों भगवान मोर पंख लगाते हैं? आप लोग देखे होंगे मोर का नृत्य, देखे होंगे बड़ा सुंदर नृत्य करता है, जब नाचता है ना धीरक धीरक करके नृत्य करता है, इसलिए भगवान कृष्ण, शंकर जी का एक नाम है नटराज, लेकिन भगवान का नाम क्या? बोले नटवर।
नट मतलब श्री शंकर जी, वर मतलब होता है शंकर जी का भी जो वर है, जो पति। बोले शंकर जी का पति कैसे हो गए? हाँ, हम आगे सुनेंगे। भगवान कृष्ण जब रास करते हैं, शंकर जी गोपी बन करके आते हैं, गोपी स्वरूप में आते हैं। शंकर जी गोपी बने, गोपियों का पति कौन है? कृष्ण है। इसलिए मौर का नृत्य सबसे सुंदर नृत्य, इसलिए मानव भगवान मौर पंखों को लगा करके कहते हैं, भैया जगत में सबसे अगर कोई सुंदर नृत्य करता है मैं नाचने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने मौर पंखों को लगाया। कहते ये चौथा कारण है। बोले पंचमा कारण क्या है? आप लोग बरसाना अगर कहीं गए होंगे, जब आप बरसाना का परिक्रमा लगाओगे वहां पर एक मौर कुटी है। ये मौर कुटी में कृष्ण स्वयं, राधा रानी स्वयं, ये दोनों मिलकर के वहां पर उन्होंने नृत्य किया था। इसलिए राधा रानी ने कभी ये मयूरी बनी है। इसलिए कृष्ण राधा रानी की स्मृति के लिए भगवान अपना मयूर पंख लगाते हैं। कितना कारण हो गया? पांच हो गया। छठवां कारण बताए। एक दिन कृष्ण चल रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर में एक मोर पंख पड़ा हुआ। मोर पंख ने कहा, कृष्ण मैंने जिनका पीछे लगा था ना, उसने मेरे को त्याग दे दिया। देखो मैं मेन रोड में मैं पड़ा हुआ हूँ, मेरी अवस्था को देखो। भगवान बोले, चिंता क्यों करते हो? जगत में जिसको कोई नहीं पूछता है उसको पूछने वाला मैं हूँ। इसलिए भगवान उठाया मयूर पंख को, अपना सर पर लगा दी। मतलब जगत में जिसको कोई पूछने वाले नहीं, उसको पूछने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए उनकी स्तुति में बताए, बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। भगवान कौन है? तीनों का बंधु है, करुणा की समुद्र है भगवान। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। बोले बरहा पिड़म नटवर बपू। भगवान के स्वरूप कैसे है देखना। भगवान तीन जगह से भगवान टेढ़े हैं। जब भगवान चलते हैं ना, लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई नृत्य करता है। उनका बपू ही नटवर स्वरूप है, हैं? बोले कर्णयो कर्णिकारम। कानों में दो कान हैं, लेकिन एक कनियर की फूल लगाते। बोले क्यों? बोले कभी इधर निकाल कर इधर, कभी इधर निकाल कर इधर। कहते उनका एक अढ़लपन है। और दूसरा कारण है, कृष्ण जब नंद भवन में रहते हैं, वो गोपियों को बता ही नहीं सकते, आज मैं किधर गैया चराने के लिए जाऊंगा, आज मैं कहां मिलूंगा। वो जिधर जाएंगे ना, वो कनियर फूल, अब कनियर फूल देखेंगे नहीं, वो ऐसे होता है। कृष्ण क्या करते, जिधर जाएंगे वो कनियर फूल ऐसे लगा करके ऐसे घुमा देते। बोले गोपियां आज इस तरफ में आना, आज मैं उधर उधर गैया चराने के लिए जाऊंगा। इसलिए दो कानों में वो एक कनियर फूल धारण करते हैं। बोले ब्रंध्राण वेणुरधर सुधया। भगवान क्या हो गया? हाँ, भगवान क्या बजाते? बोले भगवान बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं? बोले बंसुरी में दो गुण है। कितना गुण है? दो गुण। अगर हमारे अंदर में दो गुण हो जाए ना, भगवान हमें भी बजाना शुरू कर देंगे। बोले पहला गुण किया, बोले उसमें खाली, बंसुरी का अंदर देखना खाली होता है। बोले उसका हृदय खाली है, मतलब हृदय में कोई काम क्रोध लोभ कुछ नहीं। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, मेरे पास में बंसुरी बन करके आओ, हृदय में भर करके नहीं, हृदय को खाली करके आओ, तभी तो मैं बजाऊंगा। और दूसरा गुण है, कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजते हैं। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, मैं जैसे चाहता हूं तुम वैसे बजो, अपना मनमानी नहीं, मैं जैसे चाहता हूं वैसे बजो। इसलिए कभी कभी राधा रानी बंसुरी को अपना सौत मानती है। राधा रानी कहती है अगली जीवन में और मैं राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके। बोले क्यों? बोले देखो बंसुरी के कितने सौभाग्य है। देखना कृष्ण कभी भी बंसुरी को त्याग नहीं देते, कभी अधर में, कभी कमर में, हैं? कभी कमर में, कभी अधर में, कभी हाथों में, बंसी को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए राधा रानी कहती है, ये पूर्व जन्म में उसने ऐसे क्या पुण्य किया है जो भगवान इसको कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए राधा रानी कहती है, चलो हम पौर्णमासी को पास में चलते हैं, वो सर्वज्ञ सब जानती है, हम उन्हें पूछेंगे
ये पूर्व जन्म में ये बंसुरी ने क्या पुण्य की जो ये बंसुरी बन करके आए, हम भी ऐसे पुण्य करेंगे तो हम भी बंसुरी बन करके आएंगे। और प्रभु हमें हर समय अपना अधर पे, अपना होठ में धारण करेंगे, अपना कमर में। देखो राधा रानी क्या कहती है, बंसुरी कैसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे ना बंसुरी, ऐसे राधा रानी कहती है। देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सम्मान करते हैं, जैसे एक राजा महाराजा की जैसे सेवा ऐसे करते हैं कृष्ण, ऐसे धारण करते हैं। राधा रानी कहती है अंगुल को ऊपर रखते हैं, मानो जैसे एक राजा महाराजा को डल्लभ हाँ गद्दी को ऊपर में, नहीं तो किसी पलंग को ऊपर में जैसे कोई सोते हैं, ऐसे अंगुल चलाते हैं बंसुरी, ऐसे अंगुल चलती है ना। बोले अंगुल नहीं चला रहे हैं, भगवान उनकी चरण की सेवा कर रहे हैं, चरण की सेवा करते हैं। कहते कान में कुंडल है, बोले ये कुंडल किया, बोले कुंडल नहीं, जैसे किसी राजा महाराज का सर के ऊपर छत्र धारण करते हैं, कुंडल ऐसे होता है ना, बंसुरियां होती है। बोले आंखों का पलक जो झप रही है, बोले लोग आंखों का पलक नहीं झप रही है, जैसे किसी राजा महाराज को पंखा झुलाते ना, पंखा झुलाते हैं। देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य देती है। बोले रंध्रान बेणुरधर सुधया पुरायन गोप बृंदय बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राभिसस्तत गीत कीर्ति। देखो ये वृंदावन की कितना सौभाग्य है, भगवान हर अवतार में पादुका धारण किया है। राम को देखो, नारायण को देखो, कई खाली प्यार में नहीं देखोगे, लेकिन केवल एक कन्या हुए हैं। ब्रज में जब प्रभु गैया चराने के लिए जा रहे थे, मैया जसोदा बोली, बोले लाला तेरे लिए दो जूती और एक छतरी बना देती हूँ। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, भैया हम ग्वाला है, हम ग्वाल वाले हैं, हमारा जो संपत्ति गैया हमारी संपत्ति गोपाल है, गो मतलब गैया पालन मतलब जिनको पालन करते हैं, गैया हमारी इष्ट है, और जो हमारी इष्ट वो जूती नहीं पहनेंगे, छतरी धारण नहीं करेंगे, हम उनकी सेवक होकर के जूती छतरी कैसे धारण कर सकते। नहीं मैया, अगर मेरे लिए छतरी जूती बनाना चाहती ना, हर गैया के लिए चार चार जूती और एक एक छतरी बना दे, फिर तो मेरे लिए बनाना। इसलिए भगवान जब गैया चराने के लिए गए, खाली चरण में जाते थे, जिनके चरण की स्पर्श पा करके पृथ्वी इतने आनंद होती थी। बोले क्यों, बोले जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चितपद, जिनके चरण को ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र लक्ष्मी जिनके चरण को गोद में हर समय रख करके सेवा करती हैं, वो चरण को प्रभु खाली नंगे प्यार में जब वृंदावन में चलते थे, जिनके चरण की स्पर्श पा करके राधा रानी कहती है जो घास है ना वो घास नहीं, बोले ये क्या है, बोले पृथ्वी का रोंगट जैसे खड़े हो गए। बोले ये झरना क्या, बोले झरना नहीं, जैसे कोई व्यक्ति प्रेम से आंखों से आंसू विसर्जन करे, ये झरना नहीं, ये इनके आंसू बह रहे हैं, इतने ये वृंदावन धाम की महिमा है। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते थे, सखा लोग बोले कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर से जयकार लगाओ, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो जब पहला चेले को उन्होंने ये श्लोक सिखा दी, श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, देखो ये चीज को समझो, पहले वो ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान को जो निराकार निर्विशेष मानने वाले ज्योति स्वरूप, वो ब्रह्म में डूबे हुए थे। लेकिन जब ये श्लोक उनको कान में पड़े, कृष्ण कितने सुंदर है, ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं, वो तो निराकार निर्विशेष, उसका तो कोई रूप नहीं कोई गुण नहीं, लेकिन हमारा कन्या कैसे है, बोले बांके बिहारी की देखे चटा देखे चटा मेरा मन है गयो लता पटा, बांके बिहारी की देखे चटा देखे चटा मेरा मन है गयो लता पटा, बांके बिहारी की देखे चटा देखे चटा मेरा मन है गयो लता पटा, हां बांके बिहारी की देखे चटा छटा मेरा मन है गया लता पटा।
सुखदेव गोस्वामी की कानों में ये श्लोक पड़ा, कन्हैया इतने सुंदर है, इसलिए लोग गोपियां कहती हैं नंदलाला तुझति होत लाली गला कट जाती करड़न की। मतलब है गोपियां ताना मारती हैं, भगवान अच्छा किया तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर, अगर तू सचमुच से लाली होती ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए जितने क्षत्रिय हो सब दुनिया मर जाते आपस आपस में, इतने तुम सुंदर हो। अभी सुखदेव गोस्वामी सुनते ही वो जो ब्रह्म ध्यान में बैठे थे सारे ब्रह्म ध्यान को छोड़कर निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको मिली कहां से? बोले हमारे गुरु जी बताए, हमारी एक तोता कहीं से उड़ते हुए चला गया और ये श्लोक सुन करके जो अपने आप आ जाए समझना ये मेरी तोता। बोले मैं वही तोता हूँ, वही तोता हूँ मैं हूँ। बोले वो तो देखने में बड़े सुंदर, देखो ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात उसने बताई। बोले वो तो देखने में बड़े सुंदर है। बोले भैया वो रहते हैं कहां पर? एक उदाहरण दिया, जैसे आप अपना बेटी को कहीं शादी देना चाहोगे, शादी देने से पहले सबसे पहले क्या देखोगे? जिस लड़के को साथ में शादी दोगे उसका पर्सनालिटी कैसे सबसे पहले देखोगे, वो लड़का देखने में कितने सुंदर सबसे पहले, भले कोई चीज मत देखो पहले देखोगे वो लड़का कैसे सुंदर है। बोले भैया लड़का का पर्सनालिटी तो बहुत बढ़िया है, इसलिए कृष्ण कैसे है इनके जैसे सुंदर जगत में कोई नहीं, सबसे सुंदर है, जिनकी रूप देखकर लक्ष्मी भी मुग्ध हो जाती है, नारायण भी जिनका रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं, इतने सुंदर है हमारे श्री कृष्ण कन्हैया। दूसरा गुण क्या देखोगे? बेटा तो देखने में बड़े सुंदर है, दूसरे गुण देखोगे भैया कोई कमाई भमाई करता कि नहीं, बेटी को देंगे ऐसे नहीं बेटी भूखी तो नहीं मर जाएगी, इसलिए दूसरे प्रश्न बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। दूसरी प्रश्न है क्या देखोगे? वो बेटा कुछ कमाया धमाता कि नहीं। दूसरा श्लोक पूछे बलिया वो रहता है कहाँ पर? हरे कृष्ण। बोले भैया रहता है कहाँ पर, उसका घर कहाँ, कोई पैसा पैसा है कि नहीं? दूसरा चेला दूसरा श्लोक बोल दिए, बोले जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत दिया सासगात्री जयति ते लोग बोल दिए, बोले पैसा की बात करते हो, जानते हो कृष्ण कौन है? बोले जिनकी चरण की सेवा स्वयं लक्ष्मी करती हैं। भैया माल माल है, वृंदावन धाम कैसे हैं? बोले चिंतामणि प्रकर सद्म, वो भूमि नहीं वो चिंतामणि, वहाँ का जितने वृक्ष है ना वो कल्प वृक्ष है, वहाँ जब कोई चलते है लगता है कोई नृत्य कर रहा है, वहाँ पानी नहीं तो यह मृतम,
और पानी अमृत है। पैसा की चिंता मत करो, लड़की को दोगे ना खूब ठाड़ बाड़ में रहेगी। अभी तीसरा प्रश्न की देखने में सुंदर, घर में माल ही माल है, पैसा ही पैसा। तीसरा प्रश्न की उसका परिवार कैसे, उसका सास कैसे, उसकी ससुर कैसे, उसकी ननंद कैसे, उसका जेठ कैसे। तीसरा ने तीसरा श्लोक बोल दिया, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इनकी पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या, सबको जो आनंद दे। बोले उनकी मैया का नाम, बोले जसोदा, सबको जो जस दे। बोले भैया का नाम, बोले दाऊ भैया। बोले वाह परिवार तो बड़ा सुंदर परिवार है, हैं सब बढ़िया है। लेकिन लास्ट प्रश्न है, देखने में सुंदर, खूब पैसा, परिवार बढ़िया, लेकिन चौथा प्रश्न जो सबसे ज्यादा महत्व है, हरि बोल हरि, बोले उसकी स्वभाव कैसे है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं दिन भर शराब पी करके पड़ा रहता है, जुआ खेलता है दिन भर, बात बात में हाथ उठा करके मारता है, फिर बच्चा को पास में जितने पैसा क्यों नहीं हो, जितने सुंदर क्यों नहीं हो, फिर बेटी को दोगे आप? बोले भैया ऐसे व्यक्ति को बेटी देने का जरूरत नहीं, जो हाथ बात बात और हाथ उठाए और दिन भर शराब पिए जुआ खेले, भैया जरूरत नहीं, उसका सुंदरता रहने दो। इसलिए चौथा प्रश्न की उसका स्वभाव कैसे, देखो चौथा चला क्या कहता है, कहते भैया भक्ति करना तो केवल कृष्ण भक्ति करो, इधर उधर भक्ति मत करो, मना कर देते। देखो इसका कारण क्या है, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासयापि असाधि लेभे गतिम धातु चितम गत्वन्नम कम्बा दयालु सर्वम ब्रजे। कृष्ण इतने दयालु, इतने कृपालु कृष्ण, कभी जिसको पुतना मारने के लिए गई थी, स्तन में जहर लेकर के राक्षसी, बच्चों को जो खून पीने वाली, एकदम गंदी अपवित्र अवस्था में, लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु है। बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना, ठाकुर जी किसकी अवगुण के प्रति नजर नहीं देते हैं, उसका अंदर में जो गुण उसको नजर देते हैं। वो केवल माँ की रूप धारण करके गई थी और जितने उसके अंदर में दुर्गुण हैं, लेकिन हमारे कन्या ने कोई दुर्गुण का प्रति देखा नहीं, जो माँ की रूप धारण करके गई थी इतने में ही रीच गए और सीधा गोलोक वृंदावन स्थान दे दिया। गोलोक वृंदावन में धाई मैया की गति दे दी। लेकिन कह जो दूसरे देवा देवी है, इनके पूजन में क्या दिक्कत है, जैसे आप इनको पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारी पूजा में मंत्र नहीं तो पवित्र अपवित्र थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, आप जो काम के लिए करते हो झट उसका उल्टा रिएक्शन, एकदम झट उसका उल्टा रिएक्शन होगी। वो नहीं देखेगी मेरी पूजा करती, वो नहीं देखेगी ये हमारी पूजा करती है, वो सबके सब उल्टा रिएक्शन। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा रिएक्शन कभी नहीं, क्योंकि भगवान केवल भाव को